देवराजेंद्र, आप और आपके सभी देवगण ये तक नहीं भाग पाए कि आपसे जो इतनी कुशलता से युद्ध कर रहे हैं और जिनके हाथों से आप अपना वज्र तक नहीं छुड़ा पाए, वो कोई साधारण स्त्री या पुरुष कैसे हो सकते हैं। देवराज, कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों से अहंकार का आवरण हटाइए और पहचानिए इन्हें कौन है। महादेव, मां आदिशक्ति, प्रभु माता आदिशक्ति, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। किंतु प्रभु, आपकी इस लीला के पीछे कारण क्या था? यदि मैं शिव बन कर आता, तो आप उसी क्षण समर्पण कर देते। परंतु मैं वृद्ध के रूप में आया, इसलिए आपने मुझसे युद्ध किया, वो भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, और परास्त हुए। और मैं रम और श्यामला के प्रेम की रक्षा करते हुए विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ। और जिस रूप में शिव आएंगे, उसी रूप में उनकी शक्ति आएगी। यही सीख आप सबको भी देनी थी कि प्रेम की परिभाषा रूप के भेदों से परे है। आप देवराज होकर भी इतना सरल सत्य नहीं समझ पाए। रूप चाहे जैसा हो, श्राप से पीड़ित ही क्यों ना हो, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। किस भांति उसे श्राप मुक्त कर सकते हैं, इस विषय में सोचना चाहिए। आज से कालांतर तक जो भी किसी के दुख, किसी की विवशता, किसी के श्राप का उपहास उड़ाएगा, वो स्वयं श्राप का भागी बनेगा, श्राप का भागी बनेगा, श्राप का भागी बनेगा।
आशीर्वाद जरा लीजिए। सूर्यदेव, दूर कर दीजिए इस वृद्ध को मेरी दृष्टि से। वृद्ध, सुना नहीं देवराज ने क्या कहा? जाओ यहां से। बे, आप सभी चुन कर देंगे मुझे। मुझे मेरे बेर चुन कर दीजिए इंद्रदेव। जो आज्ञा महादेव। संसार में जब जब प्रेम की हानि होगी, प्रेम पर संकट मंडराएगा, तब तब मनुष्य महादेव और देवी पार्वती की पूजा करेंगे। महादेव और देवी पार्वती की पूजा करेंगे। महादेव और देवी पार्वती की पूजा करेंगे। आप दोनों प्रेम को परिभाषित कर प्रेम की रक्षा करेंगे और संसार को यह सीख देंगे कि महत्व भाव का होता है, रूप का नहीं। रूप चाहे जैसा भी हो, वृद्ध या कुरूप, प्रेम बस निश्चल, निस्वार्थ और पवित्र होना चाहिए। पवित्र होना चाहिए। पवित्र होना चाहिए। महादेव, देवी आदिशक्ति, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई जो आपको पहचान नहीं पाए, और उसी भूल में आप पर प्रहार भी कर दिया। क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं बल्कि रंभ और श्यामला से मांगो। जिनके प्रेम को समाप्त करने के लिए आपने हर सीमा लांघ दी इंद्रदेव। महादेव, आप ही बताइए मैं क्या करता। ये असुर अपने द्वेष, अपनी ईर्ष्या के कारण बार बार हम देवताओं पर आक्रमण करते हैं, हमारे प्राण संकट में रहते हैं, और अब तो ब्रह्मदेव ने रंभ को आशीर्वाद भी दिया है। कैसे इसकी पत्नी के साथ एक अत्यंत बलशाली पुत्र होगा। अब जब भी वो पुत्र होगा तो निसंदेह वो हम देवताओं पर पुनः आक्रमण करेगा। हम क्या करेंगे? इसलिए मैंने जो कुछ भी किया देवलोक और देवताओं की सुरक्षा हेतु किया। जो घटा ही नहीं उसके लिए इन्हें क्यों दंड देना। इनके पुत्र का न्याय
उसके स्वयं के कर्म करेंगे, किंतु भविष्य में होने वाली घटना का दंड वर्तमान में देना कहां का न्याय है, कहां की नीति है इंद्रदेव? धर्म संगत तो यह कहता है कि आप सबको इनके पुत्र को जन्म लेने देना चाहिए।